मैं इस वक्त जिस शायर से गुजारिश करने जा रहा हूं उनका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उर्दू शायरी में दिल्ली का जो मकाम है वो एक स्कूल की तरह है, और दिल्ली स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए वहां के शायर ज़ुबैर रिज़वी ने कभी कहा था कि ना अपने ज़ख्म गिने हैं ना पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियां हमने, ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियाँ हमने। दबिस्ताने दिल्ली की जो अदबी खुशबू है उस खुशबू को लेकर और दिल्ली की टकसाली जबान के साथ पूरा इंसाफ करते हुए गजल के रिवायती लहजे की तरफदारी और पासदारी करने वाला शायर जनाब इकबाल अशहर से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कलाम अब आपको सुनना है, आप पूरी तरह से आमादा हो जाएं और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दिल्ली से आने वाले मेहमान शायर जनाब इकबाल अशहर साहब का। बहुत खूबसूरत गजल उनसे हमें सुननी है, मैं उसके लिए उनसे गुजारिश कर रहा हूं और आप लोग पूरी तरह से इस महफिल को वैसा ही बना लें जैसी ये मुशायरे में इब्तदाई हिस्से में और दरमियानी हिस्से में थी। जनाब सदर मोहतरम शोराए कराम मौजूद हाजरीन, मैं जरा देर से पढ़ रहा हूँ कलाम, तरतीब में ज़रा सा कुछ फ़र्क आया था, कुछ बेतरतीबी सी आई थी किसी वजह से, बहरहाल हाजिर हूँ और काफ़ी अरसे बाद मैं बदायूं में कोई मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मुसफ़ी ने एक शेर कहा था बदायूं के ताल्लुक से कि जालिम तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जालिम तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, हर घर में जिसके एक मज़ारे शहीद है। वाह, तो मैंने गैर मामूली पाया है आज आपको, मुझे ऐसा लगता रहा बार बार मुशायरा कि अब ये मुशायरा यहाँ ख़त्म हो गया शायद, और फिर अगले ही शायर से मुशायरा शुरू हो जाता है नए सिरे से, तो ये खुसूसियत है आपकी। बहरहाल मैं एक गज़ल पेश करता हूँ, इरशाद मुलाहज़ा फरमाए। खुदा ने लाज रखी मेरी बेनवाई की, खुदा ने लाज रखी मेरी बेनवाई की, खुदा ने लाज रखी मेरी बेनवाई की, बुझा चराग तो जुगनू ने रहनुमाई की। वाह बाबा, खुदा ने लाज रखी मेरी बेनवाई की, बुझा चराग तो जुगनू ने रहनुमाई की, क्या कहना वाह, तेरे ख्याल ने तस्खीर कर लिया है मुझे, तेरे ख्याल ने तस्खीर कर लिया है मुझे, ये कैद भी है बशारत भी है रिहाई की। वाह वाह वाह, ये कैद भी है बशारत भी है रिहाई की, बशारत भी है रिहाई की। जाहिर है आप काफी कुछ लुटा चुके हैं तो मेरे लिए शायद कुछ बचा नहीं है आपके पास। तो मैं अब गजल पढ़ूं, ये दो शेर तो तजर्बे की नजर हो गए। और ये तजर्बा मुझे करना ही था जी। बहरहाल ताज़ा गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद, इतने कम माया नहीं है आप, आपके पास बहुत सरमाया दात का, तो अभी आप अपने अपनी हौसले और हिम्मत को जो है बरूए कार लाइए और हौसला अफजाई कीजिए शोरा की, मैं गजल पढ़ता हूँ। जी जी इरशाद। हमको हमारे सब्र का,
खूब सिला दिया गया हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया। पढ़ूं, इजाजत है आपकी? हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, खूब सिला दिया गया। क्या कहना? यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया। वाह 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 वाह। यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। वाह 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 वाह। एक बार भाई मतलब फिर पढ़िए, क्या कहना? वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, खूब सिला दिया गया। वाह वाह वाह। यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। वाह वाह वाह। और शेर पढ़ता हूं, इरशाद। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। वाह। जिसने जरा बढ़ाई लौ, उसको बुझा दिया गया। वाह 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 वाह। जिसने जरा बढ़ाई लौ, उसको बुझा दिया गया। वाह 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 वाह। उसको बुझा दिया गया। क्या कहना इकबाल भाई? वाह वाह वाह। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, शौक से सांस लीजिए। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया। वाह 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 गया। वाह 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 वाह। क्या कहना? पहले क्या हवाए। बहुत शुक्रिया, बहुत। फिर से इनायत कीजिए इकबाल भाई ये शेर। वाह वाह वाह। अब आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो बोला तो कीजिए कम से कम। गया आप शौक से सांस लीजिए। वाह 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 वाह। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। क्या कहना? वाह वाह वाह। और अगर ये शेर सुन लिया तो मेरा आना कामयाब है। मुलाहिज़ा फरमाएं, इरशाद। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया, अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया। वाह 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 वाह। क्या कहना? क्या कहना इकबाल भाई? वाह 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 वाह। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। वाह वाह वाह। रात के इस हिस्से में इतनी भी दाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सलाम करता हूँ। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए। पहले हवाए शहर में
जहर मिला दिया गया अहले सितम को रात फिर दावत रख्स दी गई और बराए रोशनी वाह 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 शहर जला दिया क्या गया वाह 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 वा। मुनकिर कर बला हुए दर्द में मुबतला हुए मुनकिर कर बला हुए दर्द में मुबतला हुए हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया क्या कहना क्या कहना वाह 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 हमको भी एक वाह 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 फिर से सुनना चाहते हैं मुनकिर कर बला हुए दर्द में मुबतला हुए हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया क्या कहना वाह शौक से अब जनाबे मन मेरी जबान तराशिए क्या कहना शौक से अब जनाबे शौक से अब जनाबे मन मेरी जबान तराशिए मेरी जबान तराशिए वाह बोले बगैर बोलना मुझको सिखा दिया वाह 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 शुक्रिया इकबाल भाई हाँ इकबाल भाई अरे आइए क्या बात बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं ठहरी ठहरी सी तबीयत में यार ये हाँ मैं एक गजल सुना देता हूँ हाँ हाँ वही वही उसी की बात हो रही है उसी की बात हो रही है आप डांटिए ना मत हो रहा है काम सही हो मैं पढ़ देता हूँ एक गजल एक जी ठेरी ठेरी सी सुनिए अब सुनिए आपने फरमाइश की है इस गजल की तबीयत में रवानी आई ठेरी ठेरी सी तबीयत में रवानी आई ठेरी ठेरी सी तबीयत में रवानी आई आहा आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई वाह 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 क्या कहना है इकबाल भाई वाह 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 आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा ये ले लो ये 175वां फूल था जी आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई वाह 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 मुद्दतों बात चला उन पे हमारा जादू मुद्दतों बात चला उन पे हमारा जादू वाह मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई वाह 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 मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे क्या कहना वाह 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 मुद्दतों बाद
بشے ماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی، واہ واہ واہ، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی، واہ 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 واہ، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا آنچل، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا آنچل، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا آنچل، واہ واہ واہ، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی، واہ واہ واہ، کیا کہنا کیا کہنا، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، واہ واہ واہ، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی، واہ 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 واہ، کیا کہنا کیا کہنا۔